देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट सा है। मतलब हम लोग कोई आपको आज ड्रेस नहीं दिखाने वाले हैं और ना ही कोई हम साड़ी में से ड्रेस दिखाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा कि हम अपने जो भगवान जी होते हैं उनकी जो पोशाक बनाते हैं, तो उनकी पोशाक हमारी ये प्रीति जी ये बनाती हैं। लेकिन इनकी पोशाक काफ़ी टाइम से बनाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ थोड़ी सी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। देखिए, इनके साथ अभी कुछ दिन पहले ही, कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया है, इनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया है। जो इनके हस्बैंड थे, मतलब अब तो मैं थे ही कहूँगी क्योंकि वो एक्सपायर हो गए हैं। कि 1 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता है किसी को भी इतना बड़ा हादसा, हादसे से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बच्चे छोटे हैं, 2 बच्चे हैं, 13 साल की, 13 साल की बेटी है मेरी और 8 साल का बेटा है। तो जो इनके हस्बैंड थे वो पुजारी थे, जो अब एक्सपायर हो गए हैं। उनके थ्रू इनको ऑर्डर भी मिलते थे और इनके घर का मतलब आजीविका भी चलती थी। बट उनको कुछ अचानक से उनके साथ हादसा हुआ कि साइलेंट अटैक आया उनको और वो एक्सपायर हो गए अचानक से। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का पर्पज है वो सिर्फ यही है कि हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं प्रीति जी से, कि वो ड्रेस भी बनाती हैं और इसी का ही वो काम भी करती हैं। तो हमारा जो मेन मकसद आपसे बात करने का वो यही है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दीजिए। पुजारी जी जो थे, मतलब आपने ये जो काम किया, पुजारी जी ने इनको काफ़ी मतलब हेल्प की थी, मोटिवेशन भी उन्हीं से मिला था। और कुछ मेरे नॉन में भी हैं तो मेरे पास आई थी सिलाई सीखने के लिए, तो मैंने इनका पोशाक का काम काफ़ी अच्छा देखा। इन्होंने मुझे दिखाया, अपनी वीडियो वगैरह दिखाई थी, तब तक इन्होंने आईडी नहीं बनाई थी कि मैम देखिए मैं पोशाक वगैरह भी बनाती हूँ, बट मुझे पोशाक का काम कम मिलता है, तो इसलिए मैं सिलाई के काम में मतलब यही ड्रेस वगैरह या सूट प्लाजो पैंट में जाना चाहती हूँ, मुझे पोशाक का। लेकिन मैंने इनका ये, जब मैंने इनकी ड्रेस देखी तो इनको मैंने गाइड किया कि प्रीति जी आप इनकी पोशाक को ही बनाइए, भगवान जी की पोशाक बनाइए, आप सच में बहुत अच्छी ड्रेस बनाते हो। और जो पुजारी जी हैं, मतलब जो इनके हस्बैंड हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा सबको आप बताइए कि हम लोग पोशाक बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत शेयर किया और पुजारी जी के थ्रू, मतलब जो इनके हस्बैंड हैं उनके थ्रू इनको बहुत अच्छा काम मिलने लगा था। आप शायद दिसंबर से काम कर रहे थे, है ना, और आपको काफी अच्छा भी ऑर्डर मिला। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड हैं वो मंदिरों से रिलेटेड टच में थे, तो जहाँ भी जाते थे मतलब ड्रेस का ऑर्डर लेकर आते थे और ऑर्डर में मिलते थे। हाँ जी, उनके उसी के थ्रू आपने जब ये पोशाक बनाने लगे, ऑर्डर मिलने लगे, फिर आपने इंस्टाग्राम पे, हाँ जी मैंने इंस्टाग्राम पे फिर फेसबुक पे अपना लिंक बनाया वैष्णवी डिजाइनर पोशाक के नाम से। जब देवी इनका काम चलने लगा, तो मैंने काम जब स्टार्ट ही किया था तभी मैंने गाइड कर दिया था कि आप एक इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाइए। तो इनकी एक आईडी भी है वैष्णवी डिजाइनर पोशाक। रियल में बताऊं मैं कि मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे कि मैम अब मेरा काम, मतलब मुझे अब काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलने लगे, लेकिन अब वो नहीं रहे तो इनको ऑर्डर थोड़ा कम हो गए हैं। तो हम आज का जो हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि किसी के घर में लड्डू गोपाल हो, भगवान जी की मूर्ति हो, या मंदिर हो, या जो भी इंटरेस्टेड हो, आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दीजिए। और इनकी आईडी में आप जाके देख सकते हो इनका काम बहुत अच्छा है। आप प्रीति जी, आप इसकी क्वालिटी भी बताइए और कहाँ पे एड्रेस बताइए, अब सारा आप बताइए कैसे कैसे। देखिए, ये मैंने 3.25 फीट के राधे कृष्ण की, मेरे पास ऑर्डर आया था विश्वास नगर मंदिर से, तो ये मैंने उनकी पोशाक बनाई है। ये भी हस्बैंड के थ्रू मिली है, मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरा ऑर्डर मिला था, मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। ये कृष्ण भगवान की धोती है, इस टाइप से है। इसमें हम मटेरियल बहुत अच्छा लगाते हैं, अस्तर भी लगाते हैं और कैनकेन का यूज करते हैं। ये इस टाइप से है, ये उनकी कमर कांचनी है कृष्ण भगवान की, जो इस तरीके से फैला दी जाती है। और ये ऊपर की उनकी, देखिए कितना अच्छा मटेरियल भी लगाया हुआ है, काम बहुत अच्छा करती हैं ये।
इसमें केन केन लगा के और इसको पूरी फिनिशिंग दी हुई है, बाकायदा इन्हीं के पूरे इन्हीं के हाथों से सिले हुए हैं ये, और काम भी अच्छा करती है, बट अब इनको थोड़ा ऑर्डर कम मिल रहे हैं। ये हमारी पोती है कृष्ण भगवान की, ये देखिए किस तरीके से हाथों को जोड़ा हुआ है, मतलब ये देखिए कितनी मेहनत से अटैच किया है, जैसे कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी लिए होते हैं। अच्छा, तो ये हाथ सीधा होता है तो ये ऐसा होता है, और ये उनका इस तरह से रहता है, तो ये इसी तरीके से बनाई जाती है, और इसको हम पीछे से इस तरह से खोल के हम पूरा पहना सकते हैं उनको पोशाक, इस तरह से ये पोशाक इस तरह पहना जा सकता है। देखिए बताओ, हम सिंपल हमारी ड्रेस में इतना देखिए, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये देखिए किस तरीके से हाथ की सेटिंग की हुई है सारी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस। और हमने भी एक दो ऑर्डर दिए हैं यहाँ पे, जैसे अभी प्रीति जी आई तो एक दो क्लाइंट ने भी ऑर्डर दिए हैं, काम इनका बहुत अच्छा है। पटका है, पटका सिंपल पटका भी बनता है, और ये मैंने थोड़ा सा फैलाव में बनाया था कि इस तरीके से जैसे हम कान्हा जी को सजाते हैं तो थोड़ा ऐसे अच्छे से इस तरह से, और यहाँ पे हमने अस्तर दिया है हल्का ताकि गर्दन में आए उनके, और यहाँ थोड़ा केन केन का यूज किया है कड़क पना रहने के लिए, इसलिए इस तरह से। और ये उनकी बेल्ट है ये मूर्ति के साथ में, ये पोशाक देखिए बेल्ट में भी केन लगाई हुई है ताकि इसमें ग्रेस आ जाए, लेस भी। और ये हमारी राधा रानी की ड्रेस है, ये उनकी कोटी है इस तरह से, ये लहंगा है राधा रानी का, ये 3.25 फीट की मूर्ति की ड्रेस है हमारी, ये पीछे से ये देखिए, इसमें भी कैन कैन और बुकरम का यूज है, वॉशेबल चीज है, काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज है, वॉशेबल है, इसको कितनी भी बार हम धोके पहना सकते हैं अपने भगवान जी को। ये राधा रानी का दुपट्टा है, और दुपट्टे में भी आप देख सकते हैं ये अस्तर लगाया हुआ है बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में, ये हमारी कस्टमर की डिमांड थी येलो कलर का, वो जन्माष्टमी पे पोशाक पहनाना चाहते थे तो उसी बेस पे हमने येलो किया ये बनाया है, और ये राधा रानी की बेल्ट है हमारी। और किसी कस्टमर की अगर डिमांड होती है वो चक्र भी चाहते हैं तो इनका पीछे का चक्र भी बन जाता है, लेकिन इनकी हमारी चक्र की डिमांड नहीं थी इसलिए हमने इसके साथ में चक्र नहीं बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये आपको ड्रेस दिखाई ये तो सिर्फ एक सैंपल है, मतलब एक ड्रेस का ही सैंपल है। इसी तरीके से आप भगवान जी का जैसे कृष्ण जी होते हैं, किसी के साइज छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो ये सभी तरह की ड्रेस बना लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ काम मांग रहे हैं आपसे कि इनको काम चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मेन मकसद यही है आप सबसे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, नंबर आपको जो भी आपको इंक्वायरी करनी है नंबर हम ऊपर मेंशन कर देंगे, इनका लिंक शेयर कर देंगे, आप इनके लिंक पे जाइए फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। हमारी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ आप लोगों से अपने जो इनका ये काम है, इस काम का आप हमें ऑर्डर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्डर दोगे तो ये काम करेंगे आपको बहुत अच्छे। यहाँ सभी मंदिरों की पोशाक बनाई जाती है, कोई भी भगवान हो सभी की पोशाक हर साइज में, लड्डू गोपाल। तो आप अपने घर के साथ साथ में अगर आप इच्छा है आपकी कि जन्माष्टमी टाइम पे आप किसी मंदिर में पोशाक चढ़ाना चाहते हैं, अपनी तरफ से पहनाना चाहते हैं, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। कलर चॉइस सब कुछ आप कस्टमर की पसंद का होता है, केवल हमारा सिलाई का होता है ये। आप हमें रंग डिजाइन बता सकते हैं कि हमें इस कलर का ये ड्रेस चाहिए, तो उस टाइप का आपको फैब्रिक दिखा दिया जाएगा, फिर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही उसी फैब्रिक का हम पोशाक आपको बना के देंगे। बाकी देखिए अगर आप सैंपल देखोगे और सैंपल जैसा भी ऑर्डर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मटेरियल थोड़ा इकट्ठा आ जाता है जैसे, तो उसी का अगर आपको सैंपल पसंद आ रहा है आप उसी जैसा सेम साइज के हिसाब से ऑर्डर दोगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बनाना दिखाना वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोसीजर भी लंबा होता है। तो काफी सारे इन्होंने सैंपल भी बनाए हुए हैं, इनके पास फैब्रिक भी है तो ये आपको फैब्रिक भी दिखा देंगे, मतलब इनका नंबर मेंशन होगा, हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, आप इनका इनके घर जाके ऑफलाइन भी बुकिंग दे सकते हो। देखिए किसी को ऑफलाइन भी ऑर्डर देना है तो ऑफलाइन के लिए भी हम आपको एड्रेस समझा देते हैं। ईस्ट दिल्ली में मंडोली जो है, मंडोली के अंदर कृष्णा विहार में है इनका,
आप वहाँ पे भी जाके आप ऑर्डर दे सकते हो। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे भी ऑर्डर नहीं दे सकते इनके यहाँ पे, तो आप हमारे बुटीक पे आइए, इधर ईस्ट दिल्ली में है हमारा कभी डिजाइनर बुटीक, ये यहाँ पे आपको हम आपकी ड्रेस बनवा देंगे और इनसे मिलवा देंगे और आप इनको ऑर्डर दे सकते हो। नंबर व्हाट्सएप नंबर ये इनका है, आप डायरेक्ट इनसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इन्हें ऑर्डर दे सकते हो। इनके पास फैब्रिक के डिजाइन सैंपल सब कुछ है, आप ये आपको ये व्हाट्सएप करेंगी और आपसे चॉइस पूछेंगी कि आपको कौन से कलर की ड्रेस बनवानी है, तो आपको पूरा संतुष्टि का काम मिलेगा, आपके साइज के हिसाब से ड्रेस बन जाएगी। इसमें इतना बड़ा मतलब साइज का इशू भी नहीं है, सिर्फ इसमें फिट वगैरह जो इसमें साइज के अकॉर्डिंग आपको मूर्ति के हिसाब से आप साइज बता दोगे और आप कलर कॉम्बिनेशन देख लोगे, आप इनको ऑर्डर आराम से दे पाओगे। तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है हमारा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप ऑर्डर दीजिए ड्रेस का, आप ऑर्डर दीजिए इन पोशाक का, ये बहुत संतुष्टि से काम करेंगी और आपको बहुत तसल्ली से काम मिलेगा। ये सिर्फ हम आपसे काम मांग रहे हैं, इससे ज्यादा हम आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इन्हें काम दीजिए। चार्जेस वगैरह सब ये आपको व्हाट्सएप पे ही बता देंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इनकी हेल्प कीजिए ताकि इनके भी बच्चे पल सके और भगवान ने चाही तो इनका ये पोशाक वाला काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। और यदि आपके पास भी कोई इससे रिलेटेड आइडियाज हो कि इस काम को और हम कैसे चला सकते हैं, तो प्लीज प्रीति जी की हेल्प कीजिए ताकि अपने काम को और ज्यादा से ज्यादा बुलंदियों पे ले जा सके। और देखिए इनका चैनल भी है, यूट्यूब पे भी चैनल है, वैष्णवी डिजाइनर पोशाक, उसका भी लिंक मेंशन कर देंगे हम। फेसबुक पे भी है ये, इंस्टाग्राम पे भी है, तीनों जगह पे है, आप इनकी जाके वहाँ पे आप इनकी पोशाक भी देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दीजिए और प्रीति जी की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।